बॉन्ड वर्सेस ऑरा, लुकारियो वर्सेस ग्रेनिंजा। इस पूरी कहानी की शुरुआत तब होती है जब पहली बार हम लोगों ने एश के अंदर ऑरा पावर्स देखी थी, यानी कि उस मूवी के अंदर जब ऑरा पावर्स को दिखाया गया था। क्योंकि एश के पास ऑरा पावर्स है, लुकारियो के पास ऑरा पावर्स है, कुछ ना कुछ कनेक्शन, जी हाँ बिल्कुल था। और ये हम लोगों को बहुत ही दिन के बाद, बहुत ही सालों के बाद पता चला कि एश एक रियलू पकड़ेगा एंड होप सो वो उसको इवॉल्व भी करेगा। अब देखो 0.001% भी अगर एश का रियलू इवॉल्व हो गया लुकारियो में एंड कुछ बॉन्ड इवोल्यूशन जैसा ही ऑरा फॉर्म, ऑरा इवोल्यूशन कुछ आया ऐसा, तो उसी लिए ये वीडियो है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यानी कि बॉन्ड वर्सेस ऑरा, इन दो में से कौन सा बेस्ट है? क्या बॉन्ड इवोल्यूशन बेस्ट है या फिर ऑरा इवोल्यूशन बेस्ट है? क्योंकि ये दोनों ही पॉकीमॉन बहुत ही फेमस पॉकीमॉन है। और अगर बात करें ग्रेनिंजा की, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस पॉकीमॉन में से एक है, या फिर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा फेमस पॉकीमॉन यही है। क्योंकि जब 720 पॉकीमॉन्स के बीच में इलेक्शन हुई थी, उसमें भी ग्रेनिंजा ही जीता था। और अभी जो करेंटली कुछ महीने पहले यहाँ पे फिर से पोल हुई थी पॉकीमॉन ऑफ द ईयर के लिए, तो उसमें भी ग्रेनिंजा ही नंबर वन पे फिनिश किया है। तो यहाँ से तो हम लोगों को पता चलता है कि ग्रेनिंजा की पॉपुलैरिटी कितनी है। लेकिन साथ ही साथ अगर ध्यान दोगे तो लुकारियो भी कुछ कम फेमस नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत 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 ही ज़्यादा है और एक फैन फेवरेट पॉकीमॉन में से एक है। लेकिन अगर देखिए कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो जब एश के पास ऑरा पावर्स को सेंस किया था लुकारियो ने, तो वहाँ पे एक कनेक्टिविटी दिखाया गया था। ऐसे सर एयन को लुकारियो भी अपने सर एयन को पहचानने में मिस्टेक कर दिया था, उसने एश को कंसीडर कर लिया था सर एयन। तो यहाँ से हम लोग पता चलता है कि एश और लुकारियो के बीच में बॉन्ड है, लेकिन सर एयन को लुकारियो के बीच में नहीं। एश का जो रियलू है, अभी वो जब इवॉल्व होगा लुकारियो में और कुछ बॉन्ड फेनोमेना के साथ साथ हम लोग को और फेनोमेना भी देखने को मिल जाए, तो कमाल की बात है। वैसे एश ग्रेनिंजा जो स्टार्टिंग में फ्रॉकी स्टेज से बहुत ही अनोखा पॉकीमॉन था, जो कि भाई वो अलग था, हम लोग को स्टार्टिंग से बता दिया गया था वो अलग है, वो अपना ट्रेनर खुद चूज किया था, जैसे एश के ज़्यादातर पॉकीमॉन ने किए हैं आई गेस। लेकिन जब एश का फ्रॉकी इवॉल्व हुआ फ्रॉगेडियर में शेनपाई के ग्रेनिंजा की हेल्प से, और कुछ ऐसे ही सीन था जब ग्रेनिंजा इवॉल्व हुआ था फ्रॉगेडियर से, शेनपाई ने ही हेल्प की थी अपने ग्रेनिंजा के साथ। और बॉन्ड इवोल्यूशन में भी कुछ ऐसे फेनोमेना था, मतलब एश को जो असली लेसन दिया था वो शेनपाई ने दिया था और उसे ग्रेनिंजा ने ही दिया था। तो यहाँ से शेनपाई का भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा था अपने ग्रेनिंजा के साथ बॉन्ड में। और उसके बाद बात करें कि एश के ग्रेनिंजा बिल्कुल ओपी ओवर पावर बन जाता था बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद, क्योंकि वो मेगा इवोल्यूशन टाइप का था। वो मेगा इवॉल्व ना होकर भी मेगा इवॉल्व था, कुछ ऐसा कह सकते हो मेरे ख्याल से। तो क्योंकि जो देखो पावर्स आती है ग्रेनिंजा के अंदर, वो अलग ही पावर्स आती है, मतलब एक मेगा इवॉल्व पॉकीमॉन को टक्कर दे सकता है और टक्कर देगा भी, ऐसा तो कहना है। लेकिन अब बात करें हम लुकारियो की, तो लुकारियो क्या वीक था? बिल्कुल भी नहीं, लुकारियो बहुत पावरफुल होने वाला है। एज वी नो कि एनिमे के अंदर जो लुकारियो रहते हैं वो सभी लुकारियो एटलीस्ट पावरफुल तो होती है, कि उनको पावरफुल होना है। तुम एनिमे के अंदर देखो या गेम के अंदर भी देख लो, लुकारियो की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे है, और मेगा इवॉल्व होने के बाद वो ओपी बनता है। लेकिन क्या ऑरा बॉन्ड उसके ऊपर होगा? मेगा इवोल्यूशन है उसके पास, लेकिन फिर भी अगर पॉकीमॉन कंपनी को देना होता मेगा इवोल्यूशन, तो एश के किसी और पॉकीमॉन को कैलॉस में ही मेगा इवोल्यूशन मिल जाता है। स्टोन कुछ ना कुछ मेगा इवोल्यूशन का तरीका हम लोग को कैलॉस में देखने को मिल जाता है एश के लिए, लेकिन वहाँ पे हम लोग को मिला बॉन्ड, तो इधर क्या कुछ खास मिले? ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो देखते क्या होता है। वैसे अगर बात करें मेगा, फिर आता है बॉन्ड वर्सेस ऑरा, इन दो में से बेटर कौन सा है? इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ऑरा में भी कुछ फ्रेंडशिप से ही होता है, और बॉन्ड में भी ऑफकोर्स तुम्हारे पास फ्रेंडशिप होना चाहिए, तभी तुम एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है सब कुछ शेयर कर पाते हो, इंटरेक्ट कर पाते हो एक दूसरे के साथ। और अपीयरेंस भी जहाँ तक ग्रेनिंजा की बिल्कुल सेम हो जाती, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाती थी आज के जैसी, तो ऐसा बात है कुछ ज़्यादा कनेक्शन होता था बॉन्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऑरा, ऑरा भाई तुम्हारे पास एक अलग ही कनेक्शन होना चाहिए, तुम्हारा माइंड कनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो बॉन्ड में भी ऐसी था ना, तो लगभग लगभग ये दोनों ही चीज़ सेम पे फिनिश करती है। लेकिन अगर देखें करंट वाइज तो ग्रेनिंजा ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ओपी है, लेकिन अगर एश का रियलू इवॉल्व होता है लुकारियो में, जो पक्का होगा, उसके बाद अगर कुछ ऑरा इवोल्यूशन जैसे 0.111% भी अगर चांस है, अगर वे हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा।
वैसे ऐसा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मान लो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो क्या कुछ चमत्कार होगा? ऑफकोर्स एनिमे के अंदर एक अलग ही ट्विस्ट आएगा। बाय द वे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरे ऑरा पावर्स की ऊपर वाली वीडियो, देन कोई जरूरत नहीं है उस वीडियो को देखने की, इसी वीडियो को पूरा देखो। तो हाँ, यही थी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, नहीं हो मेरे चैनल पर देन बी श्योर टू सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज पोकेमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।